आज मैं बात करूंगा आपसे पेशेंस के बारे में, मतलब धीरज, मन की शांति, शांति से काम करना, पेशेंस रखना, धीरज रखना, उसके बारे में। क्या है कि धीरज जो है आजकल लोगों में रहा ही नहीं, लोगों को तुरंत चाहिए, इंस्टेंट, रुकने के लिए किसको वक्त ही नहीं है। और लंबी सफलता यदि मिलाना है तो आपको धीरज रखना ही होगा। क्या होता है कि भय मतलब डर धीरज को मारता है, जहां जहां डर है वहां वहां धीरज रह नहीं सकता। एक्साइटमेंट जो है, बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, उत्तेजित हो गए, तो फिर वहां पेशेंस नहीं रहता, वहां फिर तुरंत आदमी काम करता है। लालच जो है, लालच ग्रीड, तो वहां भी धीरज नहीं रहता है, फिर तुरंत आदमी काम करेगा, तुरंत वहां एक्शन लेगा। ये तीनों भी चीज जो है वहां धीरज रहेगा नहीं, ये तीनों भी चीजें धीरज को, पेशेंस को खत्म कर देती है। लोगों को बहुत ओवर कॉन्फिडेंस रहता है, ज्यादा का कॉन्फिडेंस, मतलब समझो भी मैं अकोला में हूँ, बॉम्बे जाने का है, कार निकालेंगे, चलो बोले कुछ नहीं होता, देख लेंगे, और कार से चालू करेंगे बॉम्बे जाना। जबकि ये देखना जरूरी है कि कार की सर्विसिंग हुई कि नहीं, कार में पेट्रोल है कि नहीं, कार की स्टेपनी बराबर है कि नहीं, और वो देखेंगे नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस में बैठेंगे, और बाद में रास्ते में रात को पंक्चर हो गई तो फिर गाली मारेंगे अपने आप को और लोगों को या ड्राइवर को, और फिर पेशेंस खो डालेंगे। तो हरदम पेशेंस, यदि पेशेंस से यदि काम करना है तो आप पेशेंस से तभी काम कर सकते हो जब आपका बैकअप प्लान तैयार है, प्लान बी, कि भाई ये यहाँ यदि कुछ हो गया तो अपने पास में सपोर्ट, यहाँ यदि कुछ हो गया तो सपोर्टिंग आपको कुछ तो भी बैकअप प्लान है। जैसा कि कार में स्टेप नहीं है और लंबा जाना है तो मैं बोलूँगा एक नहीं दो स्टेप नहीं है, ताकि समझो एक स्टेप नहीं मतलब एक चक्का पंक्चर हो गया, दूसरे लगा दिया, और बाद में दूसरा अपने को कोई पंक्चर रिपेयर करने वाला बहुत दूर है और वो स्टेपनी भी पंक्चर हो गई तो प्रॉब्लम है। इसलिए दो स्टेपनी रहे, लंबे सफर है, लंबे सफर में जाना है तो डेफिनेटली काम में आएगी। शुरू में कभी यश नहीं मिलता है, आपने देखा होगा कार जब आप सीखते हैं या बाइक जब सीखते हैं तो शुरू में तो गिर जाते, एक्सीडेंट हो जाता है, मगर तभी भी हम सीखते रहते हैं और बाद में फिर हमको यश मिलता है। इसलिए शुरू में जो भी कोई आपके ट्रायल्स होंगे या जो भी कोई एक्शंस होंगी, कृति होंगी, वो डेफिनेटली ट्रायल ही है। आप समझ के चलो पहले कुछ अटेम्प्ट जो है वो ट्रायल के अटेम्प्ट रहते हैं। पेशेंस तब निकल जाता है जब मन को जब लगता है तब हम काम कर देते हैं। नहीं, मेरे को ऐसा गट फीलिंग है, मुझे ऐसा मन को लग रहा है कि ऐसा करना चाहिए, और आप कर देते हैं तो पेशेंस फिर बाद में रहता नहीं, क्योंकि वहाँ यश नहीं मिला तो आप पेशेंस खो डालेंगे। तो पेशेंस यदि काम करना है तो आपको और एक चीज़ करनी होगी कि डेटा के ऊपर काम करना होगा। डेटा क्या बोलता है, आपके पास में कितना अच्छा डेटा है, और डेटा जो बोलेगा, डेटा बोल रहा है कि यह काम हो सकता है, डेटा बोलता है कि यह संभव है, तभी आप जब काम करते तो आप पेशेंस से काम कर पाओगे। क्योंकि बिना डेटा काम करते 90% बिजनेसेस 10 साल के अंदर अंदर बंद हो जाते हैं, मतलब 10 में से एक ही बिजनेस 10 साल के अंत में चालू रहता है, बाकी सब बंद हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि लोग ऐसे ही चालू कर देते हैं और फिर पेशेंस नहीं रहता। फिर और पेशेंस खोने का और एक रहता है कारण कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या बोल रहे हैं, लोगों का क्या कहना है, लोग हमको क्या बोलेंगे, मतलब इस तरह का लोगों के ऊपर है, लोगों को क्या करना है, आपका पर्पस क्या है, आपका गोल्स क्या है, आपका उद्देश्य क्या है, वो आपका पक्का है और आप उस तरफ प्लानिंग करके जा रहे हैं, तो डेफिनेटली आपका पेशेंस रहेगा, आप शांति से काम करोगे, कॉन्सेंट्रेशन रहेगा, फोकस रहेगा, आपको मालूम है कि आप कहाँ जा रहे हो, और डेफिनेटली सफलता मिलेगी। तो पेशेंस के लिए भय, उत्तेजना और लालच ये दूर रखना है, प्लान बी आपका तैयार है, धीरज है, समय देना पड़ेगा, अपयश शुरू में आएगा उसको सहन करना पड़ेगा, ये सब करेंगे तो डेफिनेटली आपका पेशेंस बना रहेगा, और पेशेंस बना रहेगा तो आपको सफलता मिलेगी। थैंक यू वेरी मच। सेक्स समस्याओं के बारे में मेरे काफ़ी सारे वीडियोस हैं, उसका हमने एक ऑनलाइन वीडियो रिकॉर्डिंग करके वर्कशॉप, एक कोर्स बनाया हुआ है, वो कोर्स जो है ऑनलाइन कोर्स, उसमें करीब करीब 60 वीडियोस हैं, और उसमें हिप्नोटिज्म की भी है कि हिप्नोटिज्म के माध्यम से नपुंसकत्व, शीघ्र पतन ये कैसे ठीक करना, और काफ़ी सारी सेक्स समस्याओं के बारे में जानकारी दी हुई है। वो समस्याओं की जानकारी से आपकी सभी सेक्स समस्याओं का समाधान हो सकता है। तो ये आप ऑनलाइन रिकॉर्डिंग कोर्स जो है
तो ये ऑनलाइन रिकॉर्डेड कोर्स आप हमारे ऐप से ले सकते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन नीचे दिया हुआ है, लिंक दी हुई है ऐप की। और वैसे ही आप टेलीग्राम ग्रुप से आप यदि जुड़ जाते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाते हैं, या आप वेबसाइट से, तो आपको ये ऑनलाइन कोर्स के बारे में जानकारी हो जाएगी। ये ऑनलाइन कोर्स करके आपके सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आप नीचे जो नंबर दिए उसके ऊपर भी कॉल करके वो ऑनलाइन कोर्स खरीद सकते हैं। इंस्टामोजू की भी लिंक दी हुई है, उसमें आप डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।